हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे सूजी के अप्पे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया अप्पे हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो देर किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने डाल दिए 1 कप सूजी और आधा कप मैं डाल रही हूँ इसमें दही। इन दोनों को हमें अच्छे से मिलाना है पहले, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ। अगर आपको मेरी बनी हुई वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। पहले हम दही और सूजी को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी और इसमें डाल देंगे हम, और हमें इसे अच्छे से मिलाना पहले, और फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे हमारी अच्छे से सूजी फूल जाए। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद में ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। जो इसमें जो पानी था उसने सब सोख लिया सूजी ने। इसको हम एक बार अच्छे से फिर चलाएंगे। अभी ये गाढ़ी है पर हम इसमें थोड़ी देर बाद में पानी डालेंगे। अभी अब यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ काट के रखी थी, थोड़ी सी प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, हरा धनिया और 2 मैंने ये हरी मिर्च काट ली थी। अब इन सबको इसमें डाल देंगे सूजी में और अच्छे से मिला लेंगे हम। अप्पे एकदम आसान है बनाना, और चाय के साथ आप शाम का टाइम हो और चाय बनाइए और अप्पे आप झटपट बना सकते हैं। एकदम बहुत टेस्टी नाश्ता लगता है ये। इसको हम सब सब्जियों को अच्छे से सूजी में मिला लेंगे। और अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। और ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल बन के तैयार है। अब मैं डाल दूँगी इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, और ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है ये मैं इसमें डाल दूँगी। हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है तो मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये 1 पैकेट इनो का लिया है, ये पूरा पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी। इससे अगर आप कम भी डालेंगे तो वो भी इतने हमारे अप्पे फूलेंगे नहीं, और ज़्यादा डाल देंगे तो वो अप्पे इतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये 1 पैकेट इसमें काफ़ी है। और ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल बन के तैयार है। यहाँ पे मैंने ये अप्पे बनाने का साँचा ले लिया, मार्केट में ये बड़े आराम से मिल जाता है। जो बर्तन वाली शॉप होती है उस पर ये आराम से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा बैटर मैं इसमें डाल दूँगी। पहले मैंने इसमें हल्का सा ये तेल लगा लिया था, और ये देखिए मैंने इसमें सारा बैटर डाल दिया, और ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तेल डालना इस पर। और इसको हम ढक के 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल स्लो गैस पे हम इसको पकाना है। इससे अगर हम तेज़ आंच कर देंगे तो ये नीचे से जल जाएंगे, इसलिए गैस को हम स्लो ही रखेंगे। और जब एक तरफ से ये सिक जाएंगे तो हम इसको पलट लेंगे आराम से। देखिए कितने आराम से ये पलट जाते हैं और कितने बढ़िया हमारे अप्पे बन के तैयार हुए हैं, एकदम कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ईजी रेसिपी है ये और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ही हम सारे ही अप्पे पलट लेंगे अपने, और फिर ढक के 3 से 4 मिनट तक फिर पकाएंगे हम इनको। और ये देखिए 3-4 मिनट के बाद में अप्पे एकदम दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुके हैं। अब मैं निकालूंगी इनको एक प्लेट में, और शाम की चाय हो और एकदम गर्मा गर्म अप्पे हो तो फिर कहना ही क्या। और ये देखिए हमारे एकदम सारे अप्पे तैयार हैं। आप इनको हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। कितने बढ़िया हमारे अप्पे बनके तैयार हुए। देखिए अंदर तक अच्छे से ये सूजी हमारी पक चुकी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।